सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिंगर के होल एनालिसिस के बाद होल हैंड एनालाइज मैं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले इस हाथ में जो है फिंगर्स से एनालिसिस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद पूरे पाल्म के करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं फिंगर की लेंथ। तो फिंगर की लेंथ कुल मिला के जो है मीडियम साइज़ की है पूरे हाथ की कंपैरिजन में, परंतु तब भी देखा गया है कि ऐसे लोगों में ज़्यादा एनालिटिकल पर्सनैलिटी नहीं होती है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले या फ्यूचर में नया प्लान बनाने से पहले अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, फटाफट या क्विक डिसीजन मेकिंग वाली हैबिट होती है, जिसके कारण थोड़ा सा बाद में पछताने वाली जो है इस स्थिति उत्पन्न होती है। पछताने अर्थात अपने ही डिसीजन को लेकर के या कुछ अपने ही कामों को लेकर के पछताने कि मुझे उस टाइम पे ये नहीं करना था, इट जेड इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो यही कहूँगा कि एनालिटिकल पर्सनैलिटी रखें और कोई भी डिसीजन लेने में खासकर या निर्णय लेने में फ्यूचर से रिलेटेड पहले अच्छे से एनालाइज कर लिया करें। लिटिल फिंगर की लेंथ की चर्चा की जाए तो कुल मिला के जो है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, परंतु थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा शाइनेस या शर्मीलापन रह सकता है अपोजिट सेक्स के प्रति। वहीं थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल वीक होने की भी आशंका है। फिंगर के बीच में जो है कुछ गैप मेंटेन होते हुए दिख रहा है, जो ये शो कर रहा है कि आप जैसे लोगों को इंडिपेंडेंट रहना, खुले में जीना, स्वतंत्र जीना, स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद है, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। और जहाँ तक चर्चा किया जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर के बीच में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ जो है तकरीबन फर्स्ट फिंगर की लेंथ से ज़्यादा है, तो आपके अंदर आर्टिस्टिक या फिर कलात्मक गतिविधियाँ ज़्यादा होगी, कोई ना कोई एक बहुत अच्छी कला होगी जिसको अगर लोगों के सामने लेकर गए तो लाइफ में एक ना एक बार बहुत अच्छा फेम पॉपुलैरिटी मिलने की आशंका होती है। देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा अत्यंत ही शुभ होती है, फ्रेंडली नेचर की निशानी होती है। मतलब आप जैसे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है और तकरीबन हर माहौल में ढलने वाले भी होते हैं। अब आते हैं आपके पाल्म के ऊपर। तो गुरु पर्वत की यहाँ पर खासकर चर्चा किया जाए तो सिंपैथी लाइन होने के साथ साथ इस प्रकार की आकृति जो बनती है, यह शो करती है धार्मिकता को और दयालुपन को। देखा गया है कि आप जैसे लोगों में दयालुपन बहुत ज़्यादा होता है, दयावान होते हैं, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते और खुद से जो बन पड़ता है करते हैं, साथ ही साथ धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपका जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो, इसके प्रति मान सम्मान और आदान प्रदान ज़्यादा रहेगा। शनि पर्वत के विषय में चर्चा किया जाए तो शनि पर्वत पे देख पाऊंगा कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा एक इंडिपेंडेंट इस प्रकार से आ रही है और फिर जो है चंद्रमा के छेद से निकलते हुए तकरीबन यहाँ तक आई है और उसका थोड़ी सी जो है कमज़ोर होते हुए दिख रही है, परंतु बाद में जाके फिर मजबूत हो गई है। तो सबसे पहले बता दूं कि चंद्रमा के क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा अत्यंत ही शुभ होती है, इस कारण से आपका दो भाग्य रेखा बना है, पहला ये और दूसरा ये। तो भाग्य का सहयोग तो बचपन से ही रहा है और चंद्रमा से निकली हुई इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है ये अत्यंत ही शुभ होती है। ये बता रहा है कि आपको विदेशी भूमि से अच्छे लाभ मिलने के योग है और जन्म स्थान से दूर ही आपका प्रोग्रेस होगा, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ये वुमेन लक को भी शो करता है, तो मदर सपोर्ट और मदर से अटैचमेंट भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जिंदगी में पत्नी के आने के बाद भी बहुत अच्छा आपको प्रोग्रेस मिलेगा और पत्नी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा धन लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी। बाहरी दुनिया और बाहरी लोगों से भी अच्छा सपोर्ट मिलने की आशंका है, परंतु देखा जाए तो तकरीबन 36 एज से लेकर के 40 तक थोड़ा जो है लक जो है कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। लक लाइन अवेलेबल है परंतु थोड़ी कमज़ोर है और उसके बाद से वापस से भाग्य जो है मजबूत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस जैसी आकृति बन रही है जो बताता है मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम को, तो थोड़ा जो है आपका मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होगा। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं तो कभी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल रहने वाले। आपके मूड का अंदाज़ा लगा पाना ज़्यादातर जो है मुश्किल पाया गया है, आपका मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। चर्चा किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे कि इस प्रकार की जो यहाँ पर रेखा है शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में, ये बताता है कि आपका जो है
नॉलेज जो है कुल मिला के बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल फैमिली में जन्म लेने के बाद भी आपके पास ज्ञान तकरीबन अच्छा रहने वाला है। सूर्य पर्वत की चर्चा की जाए तो सूर्य पर्वत अच्छा है। विभाजित हुई इस प्रकार की रेखा यहाँ पर बताती है कि आगे चल के एक से ज़्यादा सोर्स से आपको जो है फेम पॉपुलैरिटी मिलेगा। त्रिशूल सूर्य पर्वत पे होना अच्छा है, परंतु इसका झुकाव जो है बुध पर्वत के तरफ में है, जो कि बता रहा है कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग आपको कुल मिला के अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ बिजनेस के द्वारा फेम पॉपुलैरिटी और धनवान आप बनेंगे। एक रेखा आकर के सूर्य पर्वत को इस प्रकार से जो है दूषित करते हुए दिख रही है, तो थोड़ा फेम पॉपुलैरिटी मिलने में देरी भी इसके कारण रहने वाली है। साथ ही साथ थोड़ा जो है नाम बिगाड़ने वाले, नाम बदनाम करने वाले लोग मार्केट में ज़्यादा मिल सकते हैं। मरकरी के ऊपर सीधी खड़ी रेखा शुभ है, ये शो करता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को। मतलब देखा गया है कि आप जैसे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाए या फिर आप जो है लोगों को बांधे रखें, तो ये एक प्रकार का बिजनेस लक है जो बिजनेस में आपको अच्छा सक्सेस देगा। हार्ट लाइन हृदय रेखा की चर्चा की जाए तो हृदय रेखा से कुछ इस प्रकार से आने वाली जो नीचे की रेखा है ये बताती है कि अपनों से ही धोखा मिलने के चांसेस या इमोशनल सेटबैक जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ दिल के साथ ऐसा घटना जिसके कारण थोड़ा जो है इमोशनल अटैचमेंट में कुछ उल्टा सीधा हो जाना, मतलब कोई आपका दिल दुखा दे या फिर किसी से धोखा मिल जाना, इस प्रकार का थोड़ा सा आपके दिल के साथ खिलवाड़ होते हुए दिख रहा है। और वहीं इस प्रकार से रेखा जो है गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, तो बहुत ही ऑनेस्ट और साथ ही साथ लॉयल रहने वाले हैं रिलेशन के प्रति बहुत ज़्यादा ही वफादार और ईमानदार रहेंगे। साथ ही साथ भावुकता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा आप जो है रहने वाले हैं। प्रैक्टिकल माइंड की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, अदरवाइज कुल मिला के सब ठीक है। वहीं एक रेखा यहाँ से निकल के मंगल के क्षेत्र तक जा रही है, तो ये जो है सही नहीं होता है, मांगलिकता का ये सबूत होता है और ये शो करता है एग्रेशन को, तो थोड़ा गुस्सेपन की भी आप शिकार हो सकते हैं या आपका गुस्सा बहुत तेज रहने वाला या बहुत ज़्यादा ही खराब रहने वाला होगा। चर्चा किया जाए यहाँ पर जो है माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन के विषय में देखा जाए तो माइंड लाइन आपकी अच्छी है। यहाँ से जो रेखा है वो कुल मिला के सीधे जा रही है और एंड तक जा रही है, जिसका मीनिंग निकलता है कि आपका माइंड बहुत अच्छा कैपेबल है लॉन्ग स्टडी के लिए। तो यही सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग स्टडी रखें या हो सके तो पढ़ाई के क्षेत्र में ही और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि उस क्षेत्र में आपको सफलता अपार मिलने के योग हैं। वहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, टू द पॉइंट बात करने वाले रहेंगे, ज़्यादा घुमाओ या फिर वगैरह इस घुमा फिरा कर ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले होंगे। और लाइफ लाइन के विषय में यहाँ पर चर्चा किया जाए तो लाइफ लाइन जो है गुरु पर्वत की ओर से इस प्रकार से अटैच होते हुए निकल रही है, तो गुरु का सहयोग आपको लाइफ में जिंदगी में अच्छा मिलेगा और हर पद पर आपको जो है बहुत अच्छा एक गुरु की प्राप्ति होगी, जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा ज्ञान या लेसन आपको देंगे, जो कि लाइफ को और ज़्यादा ही बेटर बनाएगा। देखा जाए तो उम्र की जहाँ तक मैं चर्चा करूँ तो 75 प्लस एज में आपके लिए आसानी से यहाँ पर प्रिडिक्ट जो है कर सकता हूँ। कुछ जो है राहु लाइंस है जो यहाँ पर ज़्यादा ही डिस्टरबेंस क्रिएट कर देने वाली दिख रही है, कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो ये शो करता है कि तकरीबन आपको 26, 29 और 32 एज में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम या स्ट्रेस रहने वाला है। यहाँ पर चर्चा किया जाए आपके मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल क्षेत्र ज़्यादा उभरा हुआ है, ज़्यादा एग्रेसिव नेचर में देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर चर्चा किया जाए तो आड़ी रेखा जो है यहाँ पर डार्क जो है ज़्यादा सही नहीं है और कुछ तो लाइफ लाइन को भी डिस्टरबेंस कर रही है, तकरीबन 43 से लेकर 45 के बीच के उम्र में, तो ये बता रहा है कि थोड़ा दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रह सकता है। सीधी खड़ी रेखा वहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि शुभ है, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं रहेगी, लग्जरीज भी कुल मिला के जीवन में अच्छी रहने वाली है। केतु पर लाइफ लाइन का विभाजन ट्रैवलिंग खूब करवाएगा, यात्राओं के दौरान आपको अत्यधिक लाभ होगा, वहीं अचानक से धन लाभ के भी योग देखने को मिल रहे हैं। और देखा जाए तो चंद्रमा तो आपका अत्यंत ही शुभ है, जो कि आपको भरपूर धन की प्राप्ति दिलवाएगा और बाहरी दुनिया से अच्छा सपोर्ट भी दिलवाएगा। वहीं लक लाइन से एक रेखा निकल के जो है मरकरी की ओर जाते हुए दिख रही है, जिसके कारण एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, जो कि बता रहा है कि बिजनेस के द्वारा आप बहुत अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं और मनोवांछित फल आपको बिजनेस के द्वारा मिलेगा, मतलब अच्छा धन भी कमाएंगे, वो धन रुकेगा भी, बचेगा भी
और उस धन का सदुपयोग भी आप करने वाले रहेंगे। लाइफ लाइन से कुछ प्रोग्रेस लाइन भी देखने को मिल रही है, तो आप अपनी मेहनत से खूब आगे बढ़ेंगे और आपकी मनोकामना भी भरपूर पूरी होगी। तो इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश करी, और अगर किसी का कोई भी प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, और अगर आया है तो ज़रूर लाइक करें। तब तक आप सभी का बहुत